नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम शेखर जोशी की कहानी का पाठ करेंगे। आज 4 अक्टूबर को इस महान लेखक का देहांत हुआ है। आइए उनको याद करते हुए पहले उनकी उपलब्धियों पर थोड़ी सी बात करें। आपका जन्म 10 सितंबर 1932 में उत्तराखंड में हुआ था। आपकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को। कोसी का घटवार और बदबू जैसी हिंदी की अन्यतम कहानियों के कहानीकार शेखर जोशी नई कहानी के दौर में अमरकांत के साथ नई कहानी के प्रचलित धड़े का प्रतिमुख प्रस्तुत करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ और आगे उन्होंने कई तरह के पेशे अपनाए। उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिसमें हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण, प्रतिष्ठित पुरस्कार पहल सम्मान भी 1997 में उन्हें दिया गया था। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियां और एक पेड़ की याद प्रमुख है। आइए सुनते हैं उनकी बेहद चर्चित कहानी कोसी का घटवार। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुक कर वह बाहर निकला। सिर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जास साला, सुबह से अभी तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया, कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों तक अब तक लोग की धान रुपाई हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां भी सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे हैं गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जा। छप छप छप, पुरानी फौजी पेंट को घुटनों तक मोड़ कर गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलकर वह बांध तक पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सिर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे?
गुसाई होठों ही होठों में मुस्काया, साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहां जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपने सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिरैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े किस पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीबी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पेंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्की की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है? नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाखी था। सर पर क्रॉस खुकरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर आया तो चेड़वन की आग की तरह यह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोट एकदम भर गया था, ठसा ठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे, सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी, वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सुबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल, खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी।
वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं हंसती थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुवा या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी, पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी है, खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है, लक्ष्मा, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। रम डे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई गई मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले, देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा के से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं, गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटियरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगभग 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 साल बाद रिजर्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे वह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चीलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा, सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडियों से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था, इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलट कर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी को छिच्चर छिच्चर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, कब बारी आएगा जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा, चौंककर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख में आ गया था। गुसाई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा।
अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैला था जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थे। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेते। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहां पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अन्य विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मूर्ति समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों के तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसके वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की चाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप के में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छांव को छोड़कर अन्य कोई बैठने के लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़े उपकार का काम किया तुमने। ऊपर की घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे, इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे, लक्ष्मा मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठे लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा को के लिए
अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगे। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधे की को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेव सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी। किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिका कर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा ही को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर अपने कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो, और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालियों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देख रहा था। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छांव में, कहता हुआ गुसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के लिए के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास की एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मीनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क के किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा 7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी आ पहुंच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग, एक अल्मीनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों के बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय गिलास जमीन पर टिका कर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसका कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर से प्रकट की कि गुसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसी रोटी पकाते देखता रहा।
गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई को आज पहली बार अनुभव हुआ। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथ में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए, स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार। ना ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी, अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। हैं, यूं ही कहती है, कहां रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआंसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुनकर कहा। रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे की इस कथन ने से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर दो रोटियां उसके ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह लज्जाई दृष्टि से कभी रोटियों को की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने झड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई की कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुणा दृष्टि से उसकी ओर देखा, गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की, ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य को पड़ता, दो दिन में घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलता हुआ गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है, कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम ही हो जाए, अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो अब बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था, अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा।
लक्ष्मा उस ओर पीट के बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 खेत के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर से ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। किसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी, अटक अटक कर बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो साईं को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सिर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टक टकी लगाकर देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। धन्यवाद।